राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सरकारी अधिकारियों के कामकाज से नाराज डूंगरपुर विधायक गणेश खोगरा एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए। इतना ही नहीं, गुस्साए विधायक ने एसडीएम समेत कई अधिकारियों कर्मचारियों को पंचायत भवन में बंद कर दिया। मेन गेट पर ताला डालकर समर्थकों के साथ वहीं बैठ गए। विधायक का आरोप है कि एसडीएम में लाभार्थियों को भूमि आवंटन का पट्टा नहीं दिया। विधायक के धरने पर बैठने की सूचना मिलते ही अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। एडीएम मौके पर पहुंचे और उन्होंने आश्वस्त किया कि 30 जून तक पट्टे दे दिए जाएंगे। तब जाकर विधायक ने ताला खोला और अधिकारी पंचायत भवन से निकल पाए। वाकया राजस्थान के डूंगरपुर का है। यहाँ प्रशासन का गांवों में शिविर चल रहा था। शिविर में एसडीएम मणिलाल तिरगर समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। शिविर में पट्टे देने थे। आरोप है कि शाम तक लोगों को पट्टे ही नहीं मिले। इससे नाराज लोगों ने विधायक गणेश घोगरा से शिकायत की। शाम करीब 4 बजे विधायक सूरपुर पंचायत भवन पहुंचे। एसडीएम से पट्टे न दिए जाने का कारण पूछा तो कोई सही जवाब न मिल सका। नाराज विधायक और समर्थकों ने फौरन अधिकारियों को पंचायत भवन में बंद कर दिया। इसके बाद मेन गेट पर धरना देने लगे। विधायक कलेक्टर के मौके पर आने के बाद ही धरने से उठने की बात पर अड़ गए। विधायक गणेश घोगरा ने आरोप लगाया कि एसडीएम सरकार की योजनाओं को फेल करके सरकार को और मुझे बदनाम करना चाहते हैं। लोगों को क्या कहा, एमएलए के साइन नहीं हुए इसलिए तुम्हारा ये काम नहीं हुआ, और आज जब फॉलो अप शिविर लगा, मैं खुद आया हूँ, तो अब कह रहा कि अब मैं साइन नहीं करूंगा। इसका मतलब सरकार की योजनाओं को फेल करना चाह रहे हैं, सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं और मुझे बदनाम करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। लाओ फॉर्म का है, मैं साइन करता हूँ, अगर मेरे साइन बाकी है तो। इस तरह से जनता को गुमराह कर रहा है एसडीएम, तो इसलिए जनता ने भी हमारे साइन करो, जब तहसीलदार ने कर दिए, प्रधान मैडम ने कर दिए, मैंने कहा भाई तुम कंप्लीट करो, मैं भी करने के लिए तैयार हूँ, एसडीएम ने मना कर दिया कि मैं किसी के दबाव में साइन। विधायक का कहना है कि ग्रामीण सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं और एसडीएम साइन करने को तैयार नहीं है, लेकिन उनकी तालाबंदी की गई है। अधिकारी सरकार की योजना को फेल कर रहे हैं, इसलिए सूरपुर ग्राम पंचायत के लोग सुबह से भूखे प्यासे बैठे। उन्होंने कहा हाँ मैं कर दूंगा, और फिर बाद में कलेक्टर के पास जाए होगा इन लोगों ने, तो कहा कि तो रुक जाओ मैं कर दूंगा, और फिर बाद में वापस मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं करता। तो इस तरह से जो यहाँ भोली भाली जनता है, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, इस तरह से सरकार की योजना और आम व्यक्ति तक जो फायदा नहीं पहुँचा रहे, इसलिए लोगों ने जो अधिकारी हैं उनको पंचायत में तालाबंदी कर रखा है। जब प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली तो एडीएम तुरंत मौके पर पहुंचे और एसडीएम समेत सभी अधिकारियों को छुड़वाया।